पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। बेटी ने किया सुसाइड, पिता ने टुकड़ों में कटवा कर फेंका शव, बॉडी काटने के लिए 8:30 में हायर किया गया एक्सपर्ट, यूपी के लड़के से था अफेयर। विद्या में नहर से छिड़े टुकड़े बराबर शव की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पिता और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ वन विवेक दीप ने बताया कि शव की पहचान चटपटिया थाना क्षेत्र के चूड़ी गांव निवासी वीरेंद्र शाह की बेटी सीता कुमारी 19 वर्ष के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र शाह अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था, यूपी के एक लड़के से उसका अफेयर था और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता ने दूसरी जगह उसकी शादी तय कर दी थी। शादी नवम्बर महीने में होने वाली थी, इससे नाराज होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद पिता ने बॉडी को काटने के लिए 8:30 में एक्सपर्ट को हायर किया, फिर शव के टुकड़ों को नहर में फेंक दिया। आइए जानते हैं मामला क्या है। रविवार की शाम मझौले थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर नी टोला के पास से बहने वाली नहर से ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने प्लास्टिक के बोरे से सिर कटा शव 6 टुकड़ों में बरामद किया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सनपटिया थाना क्षेत्र के चूड़ी गांव निवासी वीरेंद्र शाह की एक बेटी गायब है। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। नवम्बर में होने की मृतिका की शादी। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में वीरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने बेटी की शादी तय कर दी थी जो नवंबर 2024 में होनी थी, लेकिन बेटी उत्तर प्रदेश के एक युवक उम्र 23 वर्ष से प्यार करती थी। युवक भाई के घर में किराए पर रहकर चूहड़ी बाजार में गोलगप्पा बेचता था। परिजनों ने समझाने के बाद भी वो उसी से शादी करने की जिद कर रही थी। इसको लेकर 22 जुलाई को बेटी को डांट फटकर लगाई, जिसके बाद उसने घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। शव खपाने के लिए 8:30 में बुलाया था एक्सपर्ट। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के बाद शव को खपाने के लिए वीरेंद्र शाह ने अपने गांव के प्रभु शाह को गोरखपुर से बुलाया। प्रभु शाह गोरखपुर में रहकर फल बेचता है, पहले वो गाँव में रहकर मछली का कारोबार करता था। वही प्रभु शाह ने पुलिस को बताया कि शव को खपाने के लिए 8,500 रुपये में डील हुई, 500 रुपये एडवांस भी मिला, बाकी रुपये 1 सप्ताह के अंदर देने को बोला गया था। पहले 6 टुकड़ों में काटा, फिर बोरे में बंद कर नहर में फेंका। प्रभु शाह ने पुलिस को बताया कि शव को गांव से दक्षिण स्थित नहर में ले जाकर मछली काटने वाले फसल से 6 टुकड़ों में काटा, इसके बाद प्लास्टिक की बोरी में डालकर नहर में बहा दिया। इस काम में उसके अलावा वीरेंद्र के घर के 6 से 7 लोग शामिल थे। इस शव को नहर में बहाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, उचित न्यूज, इतिहास।